हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बोंबिल फ्राई रेसिपी। बहुत ही मस्त स्वादिष्ट होती है ये। यहाँ पे मैंने लिए हैं 3 बोंबिल, अच्छे से साफ़ करके धो के बीच में से कट कर दिए हैं इस तरीके से। मैरिनेट करने के लिए हमें चाहिए मसाला, नमक, हल्दी पाउडर, और यहाँ पे मैंने फ्राई करने के लिए लिया है रवा। इसमें मैंने हल्दी और थोड़ा सा नमक डाल के मिक्स कर दिया है। दो से 3 चम्मच मसाला पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच नमक, इसे अच्छे से मिला दें। आप चाहे तो इसमें नींबू भी निचोड़ सकते हैं, अगर आप खट्टापन चाहते हैं तो। इस तरीके से बोंबिल को मसाला लगाना है। अब इसे हम रवा में डाल लेंगे और कोटिंग दे देंगे। इस तरीके से हर बोंबिल को रवा से कोट कर दीजिए। हमने बोंबिल को कोट कर दिया है। अब हम तेल गरम करने रख देंगे फ्राइंग पैन में। गैस को ऑन कर देते हैं। पैन को गरम होने के लिए रख दीजिए। एक चम्मच तेल डाल दें। तेल को अच्छे से गरम होने दीजिए। तेल गरम हो चुका है, अब गैस स्लो कर दीजिए और एक एक बोंबिल को अंदर छोड़ दीजिए। गैस को मीडियम हीट पे कर दीजिए। दस मिनट तक आपको लो से मीडियम हीट पे अच्छे से फ्राई करके लेना है। 7 मिनट हो चुके हैं, अब हम चेक कर लेते हैं। अब दूसरे साइड से 7 से 10 मिनट तक ऐसे ही सेक लेते हैं। चेक कर लेते हैं, 5 मिनट हो चुके हैं। बोंबिल तैयार है, अब हम गैस बंद कर देते हैं। बोंबिल फ्राई रेडी है।